नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? आशा कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो और चैनल के ऊपर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बोर्ड मास के से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए हैं। भाई, ऐसे क्वेश्चन में गलती कहाँ करते हैं बच्चे या बड़े भी मतलब इसको गलत कर देते हैं, लेकिन हम बोर्ड मास के रूल के बारे में जानेंगे अच्छी तरह से, ताकि आपका कोई भी सम गलत न हो। और एग्जाम के अंदर इससे संबंधित या इससे ऐसे ही क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उसे आसानी से सोल्व कर सके। तो सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप उसे जरूर देखें। तो चलो वीडियो पे शुरुआत करते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप इनका आंसर आप दे सकते हैं। भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप क्वेश्चन नंबर एक का आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आप दो का आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आप तीन का भी आंसर दे सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है समझने के लिए, तो वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ से ज्यादा आप इसे शेयर भी जरूर करना। तो चलो, हम सबसे पहले हम बोर्ड मास से संबंधित सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए जरूर मिलते हैं और एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 8 भाग में 2 ब्रैकेट है, 3+1 दिया गया है, 36+12 भाग में ब्रैकेट है और 8-5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, 4/3+8/4 भाग में 9/2 और -7/5 × 8/9 दिया गया है। तो वीडियो बहुत ही प्यारी है, वीडियो बहुत ही अच्छी है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप इनका आंसर दे सकते हैं। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसे सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखना, वीडियो अच्छी है और अपने दोस्तों के साथ से ज्यादा एक बार फिर से मैं कहता हूँ, अपने शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के रूल के बारे में जानेंगे, हम बोर्ड मास रूल क्या होता है, तो ताकि आप सबसे पहले उसके बारे में जान लें और हमारा सवाल कोई भी गलत न हो। एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। तो बोर्ड मास होता क्या है? BOD MAS। बी फोर क्या होता है? ब्रैकेट। बी ब्रैकेट होती है, सबसे छोटी ब्रैकेट होती है, उसके बाद धनु ब्रैकेट होती है और सबसे उसके बाद क्या होती है? बड़ी ब्रैकेट होती है। ऑफ की जगह हम क्या लगाएंगे? इसमें गुणा का निशान लगाते हैं, जहां हम का लिखते हैं, का में क्या होता है हमारे पास? इसमें गुणा होती है। डी फोर डिवाइड, जिसको हम भाग कहते हैं, इसको गुणा करेंगे हम इसमें यहां, फिर यहां हम प्लस करेंगे और यहां हम सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे? इसमें माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारा है, 8 भाग में 2 ब्रैकेट 3+1, 3+1 दिया गया है। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर जाना है, इसका आंसर आप जरूर भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जाना। तो सबसे पहले हम रूल के हिसाब से क्या करते हैं, रूल के हिसाब से अगर हम बोर्ड मास के रूल के हिसाब से करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सोल्व करते सबसे पहले हम लिखेंगे 8 भाग में 2, और देखो अगर नंबर है हमारे पास और कोई ब्रैकेट लगी होती है तो उनके बीच में यहां हमारे पास इसमें गुणा का चिन्ह होता है। क्या होता है? गुणा का चिन्ह। अब 3 और 1 को हम प्लस कर देंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा इसमें? 4 हम यहां रख लेंगे इसके अंदर। अब आगे है, हम बोर्ड मास रूल के हिसाब से लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे हम। उसके बाद है भाग का, अगर हम सोल्व करेंगे ऑफ तो है इसके अंदर, अब डिवाइड करेंगे हम इसके अंदर, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 8 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास इसमें 4 आएगा, 4 आगे हमारे पास गुणा में कितना दिया गया है? 4 दिया गया। तो 4 के साथ हम 4 की गुणा करेंगे, 4 × 4 कितना आएगा इसमें? 16 इसका सही राइट आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम बोर्ड मास से संबंधित ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और बोर्ड मास का रूल हमें जानना बहुत ही जरूरी है। अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन जरूर करेंगे। हम आशा है कि दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, इसका आंसर कितना आएगा। तो चलो हम अगला क्वेश्चन इसमें सोल्व करते हैं। थोड़ा सा बोर्ड क्या है इसमें गीला है, थोड़ा सा सूख जाते हैं, तो ताकि आप अच्छी तरह से आपके साथ उसे बातें कर सके। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, 36+12 भाग में है 8
माइनस पांच। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें 36 और ब्रैकेट को ही हम इसमें क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को ही हम इसमें सोल्व करेंगे। तो प्लस 12 भाग में 8 में से हम 3 को, सॉरी 5 को घटा देंगे, 8 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारे पास इसमें कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब उसके बाद 36, अब इसको हम भाग देंगे इसमें, हम 12 को हम 3 से भाग देंगे, 12 को हम 3 से भाग देंगे। तो 12 को अगर हम 3 से भाग देते तो हमारे पास इसमें आंसर कितना आता है, 4 आता है। अब दोनों संख्या हमारे पास इसमें क्या हो चुकी है, दोनों संख्या हमारे पास इसमें प्लस की हो चुकी है। तो 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40, इसका सही राइट आंसर आएगा। तो आपका आंसर कितना है कमेंट सेक्शन के अंदर जाना, इसका कमेंट में आप इसका आंसर जरूर देना। अब लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर गलती हो बगैर नहीं रहती हमसे, लेकिन उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ से शेयर जरूर करना, कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर इसका भी आप आंसर दे सकते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्या है एग्जाम के अंदर आपको देखने के लिए जरूर मिलते हैं। क्वेश्चन हमारा है 4/3 प्लस 8/4 भाग में 9/2 माइनस 7/5 गुना 8/9 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट तो है ना इसके अंदर, कोई ब्रैकेट नहीं है ना इसके अंदर, ऑफ है, तो इसके अंदर भाग दिया गया, तो भाग हम इसको सोल्व करेंगे। तो भाग देखेंगे हम किन संख्याओं के बीच में है, तो इन संख्याओं के बीच में हमारे पास इसमें भाग दिया गया, जिनको हम सोल्व करेंगे। तो 4/3 प्लस 8/4, तो भाग की जगह हम क्या करेंगे इसमें गुना का निशान डालेंगे, तो गुना का निशान डालेंगे तो इस नंबर को हम बदल देंगे, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो हमारे पास 2/2 इसमें कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस कितना हमारे पास इसमें, 7/5 और गुना कितना हमारे पास इसमें, 8/9 है। अब देखेंगे इसमें अगर गुना का निशान है तो इसमें संख्या काटेंगे हम, इसमें हमारे पास कौन सी संख्या कट रही है, 2 के साथ ही संख्या, 2 एकम 2, तो 2 इसमें 4 आ जाएगा। अब हमारे पास इसमें कौन सी संख्या बची है, हमारे पास इसमें 4/3 प्लस, यहां हमारे पास 8 के साथ हम 1 की गुना करेंगे, 8 एकम 8 और 9 के साथ इसकी गुना करेंगे, 9 इसमें कितना आएगा, 18। माइनस कितना हमारे पास, यहां इसमें कोई भी संख्या नहीं कट रही है, नहीं कट रही, तो हम इसके साथ 8 के साथ इसकी गुना कर देंगे, 8 7 कितना हो जाएगा, 56 और 9 5 कितना हो जाएगा, 45। 9 5 45। अब देखो हमारे पास इसमें माइनस और प्लस की संख्या आ चुकी है, जब हमारे पास माइनस और प्लस की संख्या आती है तो उसको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं उसका। तो 45 का और 18 का और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा इसका, भाई जो ऐसे हमें नंबर लेना है वो नंबर हम तीनों संख्याओं से भाग उसके, तो 45 एक बड़ी संख्या का पाड़ा पड़ेगा, हम इसके अंदर एलसीएम निकालते हैं तो 45 2 90 और 18 5 90 और 30 3 90, तो हम यहाँ इसमें एलसीएम हमारे पास इसमें कितना आएगा इसका, 90 इसका आंसर आएगा। तो हम 90 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 30 आएगा। तो 30 के साथ हम किसकी गुणा कर देंगे, हम 4 की गुणा कर देंगे, 40 या कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। प्लस 18 5 90, तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 8 5 40 और माइनस 45 2 90 होता है, तो 56 2 कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। अब देखो 120 और 40 हमारे पास इसमें क्या है, प्लस की संख्या दी गई है और माइनस की संख्या हमारे पास कितनी इसमें, 112। तो 120 में से 112 घटा देते तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 8 हम 40 के अंदर प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, 40 8 कितना हो जाएगा, 48 48 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब ये संख्या कट रही है तो इसको हम काट देंगे, 2 से कट रही, 2 2 4 2 4 8 और ये कितना आ जाएगा, 45 2 90। अब 3 से कट रही तो 3 8 24 और 15 3 45, तो फाइनल आंसर हमारे पास इसमें कितना है, 8/15 इसका सही राइट आंसर आया। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आया, इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो आपसे गलती नहीं हो। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी थी, तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप जरूर बताना भी आपको वीडियो कैसी लगती है। तो और ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल प्रेस जरूर करना ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो थैंक यू, जय जय भारत, अगले वीडियो के अंदर आपसे जरूर मिलेंगे, थैंक यू।